यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम हमारे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज चल रही थी मैथ्स में, उसका आगे वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे, 3 तक तो कंप्लीट हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। वहाँ तक आप लोगों ने देखे होंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल एफ एक्स, एफ एक्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये एफ एक्स हो गया हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई पॉलिनोमियल जी एक्स, जी एक्स से डिवाइड किया जा रहा है, तो जी एक्स से डिवाइड हो रहा है। और क्यूसेंट आर क्यू एक्स है, क्यूसेंट हमारे पास क्यू एक्स है, और रिमाइंडर जो है हमारे पास आर एक्स है। ये रिमाइंडर आर एक्स जो जो वैल्यू गिवन है मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। फिर आर रेस्पेक्टिवली ओपन एज दे रखा है, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आर रेस्पेक्टिवली ओपन एज एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस 4। क्वोशेंट है हमारे पास एक्स प्लस एक्स माइनस टू और रिमाइंडर जो है मेरे पास माइनस टू एक्स प्लस 4। यानी कि जी एक्स हमें फाइंड करना है, कि उसमें लिखा हुआ है जी एक्स फाइंड करना है। डिवाइड हो रहा है जी एक्स से और क्वोशेंट आ रहे हैं अपने पास एक्स माइनस टू, रिमाइंडर है टू एक्स प्लस 4। अपने पास एक फॉर्मूला होता है डिवाइड एंड डिविजन क्वोशेंट और रिमाइंडर में मिला करके, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, डिवाइड एंड इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड हमारे पास क्या है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिविजन जो है हमारे पास x माइनस 2 है, क्वोशेंट हमारे पास है x, डिविजन हमारे पास नहीं है तो डिविजन की जगह क्या लिखा जाएगा जी एक्स, और क्वोशेंट जो हमारे पास है वो है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर है माइनस के 2x प्लस 4। फिर क्या है, अब वो वैल्यू जी एक्स की निकालनी है, तो इस वाली पूरी टर्म को इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस के 2x है जो प्लस के 2x हो जाएंगे माइनस के 4 इक्वल टू जी एक्स और यहाँ एक्स माइनस 2। अब क्या किया जाता है, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस के 2x क्रिएट हो जाएंगे, एक्स की पावर 3 प्लस 3x माइनस के 3x स्क्वायर आगे एजिप्टिस प्लस के x और प्लस के 2x वो हो गए 3x, आगे प्लस के 2 और माइनस के 4 जो सॉल्व होने के बाद हमारे पास बन जाएंगे माइनस के 2 इक्वल टू है हमारे पास जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स एक्स माइनस 2। वैल्यू जी एक्स की निकालनी है तो जी एक्स को नीचे की तरफ भेज दिया जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2 अपॉन हमारे पास आ गए एक्स माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स। हो गया सीधा क्वेश्चन, क्या करना है जी एक्स का डिवाइड किया जाएगा ऊपर वाले इक्वेशन में। तो डिवाइड करने का जो नॉर्मल मेथड है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वही मेथड आप लोग यूज में लेंगे। तो डिवाइड जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ दे रखा है x माइनस 2 और x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2। डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे थे, इसकी फर्स्ट टर्म देखते हैं x की पावर 3 और इधर के फर्स्ट टर्म में जो हमारे पास है x, एक्स की पावर 3 में x का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाता है x से तो x की पावर आती है 3, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से तो आती है माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज होंगे, माइनस आ जाएंगे प्लस आ जाएंगे, फर्स्ट x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 कट हो जाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर यानी कि माइनस के x स्क्वायर आ जाएंगे प्लस 3x माइनस के 2। नेक्स्ट क्या है, वापस से इसकी जो फर्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास माइनस के एक्स स्क्वायर, उसमें डिवाइड होगा इस एक्स का तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के एक्स, माइनस के एक्स को वापस से एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस के टू एक्स, साइन चेंज होंगे प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म वैसे कट हो जाएगी, 3x माइनस 2x जो होते हैं x आगे माइनस 2, एक्स की टर्म फर्स्ट टर्म और इधर की फर्स्ट टर्म जो वन आ रहे हैं प्लस के वन दिए जाएंगे, वन को मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स और टू से तो आगे एजिप्टिस, साइन चेंज और अपने पास जो ये टर्म कट हो जाएगी आगे जीरो। यानी कि
जो अपने पास निकालना था हमको जी एक्स, वो जी एक्स हमारा आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा हो गया आंसर। ये बात हो गई हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 की। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3.3 स्टार्ट करते हैं। 3.3 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन दे रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है ये जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की मैक्सिमम पावर हमारे पास होनी चाहिए 2, और x की पावर यानी कि मैक्सिमम पावर तो 2 होगी होगी, उसके साथ साथ x की पावर माइनस में हमारे पास नहीं आनी चाहिए, यानी नेगेटिव पावर में नहीं चाहिए। तो इसका कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स इसके एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें चेक करना है, इसका मैं जैसे आपको एक बता रहा हूँ, फोर्थ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन दी हुई है। हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे एक्स अपॉन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्स प्लस एक्स की पावर ये ऊपर जाते हैं माइनस वन बनते हैं, और एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव पावर एक्स की नहीं हो सकती है अगर कोई भी पॉलीनोमियल है। तो साफ पता चला ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमें इसमें केवल यही लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमें गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। इसका हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है, स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर करते हैं। तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस के 7 रूट 3 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले काम तो यही होता है कि रूट थ्री को 7 रूट 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, रूट 3 इंटू 7 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 हमारे पास हो जाएंगे 3, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 21। 21 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 10, तो क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 7 सीधा पता चल रहा है हम लोगों को, तो 3 प्लस 7 लिखा जाएगा रूट 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3 प्लस 7 और यहाँ x 7 रूट 3 इक्वल टू 0। एक बार इधर आ रहा है तो हमें दो जगह लगाने की जरूरत नहीं है। रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x प्लस 7 को x से किया जाएगा तो 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक देखें, स्टार्टिंग की जो टू टर्म्स है हमारे पास उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें डायरेक्ट ऐसे पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए क्या करते हैं, रूट थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री को लिख दिया जाता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इंटू नहीं लगाए तो भी वो इंटू में माने जाएंगे। एक्स प्लस सेवन को लिख दिया जाता है रूट सेवन इंटू रूट सेवन, और एक्स प्लस सेवन को सेवन, और यहाँ पे जो सेवन है उसको क्या लिखा जाएगा, रूट सेवन इंटू रूट सेवन, और आगे है हमारे पास रूट थ्री इक्वल टू 0। तो देखें आप लोग, रूट थ्री एक्स स्क्वायर और रूट थ्री रूट थ्री, यहाँ पे अपने पास कॉमन आ रहा है रूट थ्री, एक्स भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच गया हमारे पास एक्स और यहाँ बच गए रूट थ्री प्लस, यहाँ अगर हम लोग सेवन और सेवन वैसे कॉमन आ रहा है तो उसको रूट सेवन नहीं लिखें तो भी हमारे लिए चलेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको सेवन एक्स और सेवन रूट थ्री ही रहने देते हैं। सेवन यहाँ पर बच गया एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0। ये तो बात होगी हमारे आगे वाले टर्म में दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, तो रूट थ्री एक्स एक्स प्लस रूट थ्री, इधर का फर्स्ट ब्रैकेट मैंने क्या करा और सेकंड ब्रैकेट कॉमन ले लिया, हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे क्या बच रहे हैं रूट थ्री एक्स प्लस और यहाँ बच रहे हैं सेवन,
ये हमारा फैक्टराइजेशन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद आ रहा है हमारे क्वेश्चन जो देखते हैं हम इसका फिफ्थ जो दे रहेगा 1/x-2, फिर आगे दे रखा है +2/x-1 +(6/x) है। सॉल्व करना है इसको और इसके वापस फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेते हैं तो x-2 और x-1 दोनों टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी ऐसी कोई टर्म्स दे रही हो और इनका हमें एलसीएम लेना हो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर x-2 का इस पूरी टर्म में डिवाइड होता है तो x-2 से x-2 कट हो जाते हैं, बचता है x-1, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1 से। तो आ रहा है हमारे पास x-1 एज इट इज प्लस x-1 का पूरी टर्म में डिवाइड हो रहा है तो x-1 से x-1 वाली टर्म हमारे पास कट हो जाती है और हमारे पास बचता है x-2, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से। तो 2 × x-2 = 6/x, क्लियर है। इसके बाद क्या है, x-1 एज इट इज प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई कराते हैं 2x, 2 को -2 से मल्टीप्लाई कराते हैं -4 और अपॉन वालों अपॉन में जो डिजिट्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। x को x से कराते हैं x2, x को 1 से कराते हैं -x, -2 को x से मल्टीप्लाई किया जाता है -2x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है +2 = 6/x। प्लस का x प्लस का 2x जो हो गया हमारे पास 3x और -1, -4, -5 x2 as it is -x, -2x, -3x +2 = 6/x क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। नीचे वाले जो टर्म है इसको भेजा जाएगा ऊपर की तरफ, तो x × 3x - 5 = 6 × x²-3x+2। इसके बाद क्या होता है कि x को 3x से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3x² - 5x = 6x² - 6 = 18x+2। आगे क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को उधर भेजा जाता है 0 = 6x² - 3x² हो जाएंगे इसके साथ में प्लस आगे माइनस के 18x है और ये हो जाएंगे इसके साथ में +5x और +2। हमारे पास सेपरेट है 6 × 12 होता तो यहाँ 12 होंगे टू ना होकर के। फिर अपन देखते हैं इस वाले टर्म को इधर लिख दिया जाता है 6x² - 3x² जो होते हैं माइनस होने के बाद हमारे पास कितने बचते हैं 0 = 2, यहाँ हो गया हमारे पास 3x² - 18 और +5 दोनों के पास x वाले टर्म में इनको साथ में सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास बन रहे हैं -13x और +12। पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं 3x² - 13x+12 = 0। हाँ, अब हमारे पास आ गया 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 12 और 3 हो गए हमारे पास 36 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने का आना चाहिए 13, तो क्या हो सकते हैं सोचें, 36 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने का आना चाहिए 13। तो 36 के हो रहे हैं हमारे पास 4 और 9 हो गए, 4 + 9 = 13 आ जाएंगे। तो 3x² - 4 + 9x + 12 = 0। फिर देखते हैं 3x² - 4x - 9x + 12 = 0। आगे टर्म में हमारे पास x कॉमन आ रहे हैं, 3 नहीं है कॉमन x, तो 3x - 4। इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म आ रही है उसमें हमारे पास 3 के टेबल कॉमन आ रही है तो -3 कॉमन लिए, इसके पास माइनस है इसलिए माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ आ गया 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 हो गए यहाँ पे, तो 3 × 3 = 9 और x एज इट इज है, यहाँ पे प्लस है माइनस अपन ने बाहर किया तो यहाँ भी माइनस आएगा और 3 × 4 = 0। दोनों टर्म्स में ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो हमारा काम क्या होगा, ब्रैकेट 3x - 4 को कॉमन लेने का, पर यहाँ पे बच जाता है x, यहाँ पे बच जाता है 3 = 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
इस तरीके से आप वो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका एक क्वेश्चन है 10 जो थोड़ा अलग है। 4x² - 4a² x + a^4 - b^4 = 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले 4 का डिवाइड करना होगा पूरी टर्म में, तो डिवाइड बाय 4x² 4 से 4 कट जाएंगे, माइनस a^2x यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे कटने के लिए कुछ है नहीं तो अपॉन में 4 आ जाएंगे हमारे पास। अब क्या होगा आगे इसमें हमारे पास है? कि भाई x² टर्म एज इट इज माइनस, यहाँ क्या करेंगे 2 से ऊपर और नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a^4 b^4 / 4 = 0। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे प्रोसेस, x² - a² लिखा हुआ है इसको 2 टाइम लिखेंगे a² + a² / 2 और ये x प्लस a^4 - b^4 जो फॉर्मूला बन रहा है एक्चुअल में तो a² - b² का, यानी कि a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर। तो a² - b² + a² + b² अपॉन में आ गए हमारे पास 4 = 0। ये आ गए हमारे पास x² - अब यहाँ पे क्या करते हैं -b² बेटा ऐड भी कराते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कराते हैं, तो a² + a² - b² + b² ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2x आगे वाले टर्म एज इट इज a² - b² और a² + b² अपॉन में 4 = 0। x² - यहाँ क्या करते हैं a² - b² साथ में लिख लेते हैं और आगे वाले टर्म में माइनस कॉमन लेकर के a² + b² लिख लेते हैं। यहाँ से देखें एक बार से, यहाँ पे क्या बचा a² और b² तो यहाँ प्लस बचेगा a² + b² अपॉन में 2। a² b² को साथ में लिखा a² - b² को साथ में लिख दिया। आगे वाली जो टर्म है हमारे पास a² - b² और a² + b² अपॉन में 4 = 0 हमारे पास चल रहा है। x को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है a² - b² x / 2 सेपरेट हो जाते हैं, आगे माइनस यहाँ भी माइनस जाएगा a² + b² / 2 और यहाँ x आगे वाली टर्म एज इट इज a² - b² a² + b² / 4 = 0। फिर आगे जा रहे हैं हम, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में हमारे पास सेम आ रहा है, x कॉमन ले लिया मैंने, x यहाँ बचा x को कॉमन किया तो यहाँ से ये क्या बचा -a² - b² / 2 ब्रैकेट क्लोज। आगे वाली टर्म्स में भी मेरे पास a² + b² / 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेता हूँ मैं यहाँ लिखते हैं -a² + b² / 2। यहाँ पे a² + b² / 2 कॉमन लिया तो ये था जो बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे x माइनस a² + b² / 2 वाली टर्म बाहर गई तो माइनस वाली तो यहीं पे है a² - b² / 2 बीच में माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ प्लस था तो अपन ले रहे हैं कॉमन, माइनस प्लस है यहाँ पे और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो वहाँ पे से बीच वाले साइन पे हमें माइनस पुट करना जरूरी है, इक्वल टू हमारे पास 0 है। फिर आ गया हमारे पास x कॉमन आ गया, ब्रैकेट दोनों के सेम बन रहे हैं तो x माइनस a² - b² / 2 आगे वाले यहाँ से स्टम को हटाए तो बचे हमारे पास x, यहाँ से स्टम को हटाए तो बचे a² + b² / 2 = 0। ये हो गया हमारे फैक्टराइजेशन का काम, क्वेश्चन में क्या ऑन ये दिया हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्व करना है मतलब फैक्टराइजेशन मेथड तो लगा दिया है, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी तो
एक बार क्या करेंगे, x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू है, इसको जीरो के एक बार लिखते हैं, तो x की वैल्यू जो आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू आती है, एंड एक बार लिखते हैं x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसका है क्वेश्चन नंबर 11 जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जो बाकी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल में जीरो लेकर के ब्रैकेट के x की वैल्यू जरूर फाइंड कर लें, और जो भी होगा इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं।